नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं रूबी नेगी और आज 29 अगस्त है और वक्त हो चुका है दोपहर की फटाफट खबरों का। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। कॉमन मतदाता सूची लाने पर विचार कर रही है मोदी सरकार। देश में कोरोना के मामलों का लगातार बढ़ना जारी। सुशांत मामले में सीबीआई आज फिर करेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। जेईई नीट परीक्षा को लेकर बयानबाजी का दौर जारी। अन्ना हजारे ने भाजपा की अपील ठुकराई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा। एप्पल जल्द ही लॉन्च कर सकता है अपना सर्च इंजन। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज डूबा है तो डूबने दे, अब वो नया सवेरा लाएगा। सूरज डूबा है तो डूबने दे, अब वो नया सवेरा लाएगा। जरा संभल कर, शेर पीछे हटाए, अब वो लंबी छलांग लगाए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय द टॉकी ऐप। यहाँ पर आप घर बैठे मनोरंजन के साथ पैसे कमा सकते हैं। ये टिकटॉक जैसा ही द टॉकी ऐप है। इसे डाउनलोड करें, वीडियो बनाएं या शेयर करके पैसे कमाएं। तो डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश में चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने कार्यालय में इस बैठक में हुई एक कॉमन मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा विधानसभाओं सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। निजी ऑपरेटरों को रेल पटरियों पर यात्री गाड़ी चलाने की अनुमति देने के बाद अब भारतीय रेलवे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर खोलने के विकल्प की तलाश कर रही है ताकि निजी कंपनियां एक दिन में एक निश्चित संख्या में गाड़ियां चला सकें। रिपोर्ट्स की माने तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड निजी ऑपरेटरों को इस उद्देश्य के लिए कुछ मार्गों को खरीदने की अनुमति दे सकता है। गैर भाजपा शासित 6 राज्यों ने भले ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हो, लेकिन भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस परीक्षा को आयोजित करने का भरोसा दिया है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। जहां भारत में कोरोना के अब तक 26,48,999 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 76,472 नए मामले सामने आने के साथ ही अब देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 34 लाख के पार कर गई है। CISF ने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लेकर CISF के प्रवक्ता ने कहा है कि ये ऐप वेब और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा और इसमें पेंशन भोगियों को अपने डेटा तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। अभिनेता सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच तेज गति से जारी है। जहां कल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से लगभग 10 घंटे पूछताछ की और आज भी रिया को सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक आज रिया से सिद्धार्थ पिटानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत के सामने बैठा कर सवाल पूछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शीर्ष उपभोक्ता पैनल के लिए जल्द एक सदस्य नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया था कि इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास था। बीते महीने जुलाई के दौरान देश में औसत से करीब 10% कम बारिश हुई, जबकि अगस्त में हुई बारिश ने 44 साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अगस्त में अब तक औसत से 25% ज्यादा बारिश हुई है, जो कि 1976 के बाद सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की भाजपा की अपील खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे सकती है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी घमासान का निपटारा करने की ठान चुके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्य समिति की बैठक के बाद दूसरी बार कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने आजाद को दिलासा दिलाया है कि उनकी चिंताओं का निपटारा किया जाएगा और जल्द से जल्द पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के झांसी स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज व प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इस आयोजन की जानकारी दी है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की पहल के तहत खाद्य मंत्रालय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। खबर के मुताबिक खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में आयोजित एक अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि कोरोना के इस दौर में राहुल गांधी लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं, जो कि देश के हित में नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार से पार्टी के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। आपको बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने वाले इंदौर शहर में सीरो सर्वेक्षण से पता चला है कि इसमें शामिल 7.72% प्रतिभागियों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है, जो कि एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों को कोरोना के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को कम करने के लिए 46 लाख निकासी दावों का निस्तारण किया है और इसके लिए ईपीएफ ने 920 करोड़ रुपए बांटे हैं। आपको बता दें कि भविष्य निधि संगठन ने स्वयं ये जानकारी साझा की है। टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल खुद के सर्च इंजन पर काम कर रही है और खबर है कि कंपनी जल्द ही अपना सर्च इंजन लॉन्च करेगी, जिसका सीधा मुकाबला गूगल से होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक चीनी शोधकर्ता को ट्रेड सीक्रेट्स चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 34 साल के हाइजो हु नाम के चीनी शोधकर्ता पर बिना अनुमति के अमेरिकी सॉफ्टवेयर से सीक्रेट डेटा चोरी करने का आरोप है और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका न्याय विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप और आपके जानने वाले देश और दुनिया के ऐसे ही तमाम खबरों से रह सकें अपडेट।